हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित सातार नदी के तट पर। ये सातार वही स्थान है जहाँ क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने अज्ञातवास बिताया था। अंग्रेजी हुकूमत जब क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गई थी, ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने कई टीमें बना रखी। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ गुप्त रूप से बेश बनाकर बाबा के रूप में 3 वर्ष रहे। यहाँ उन्होंने एक गुफा भी बनाई थी और आसपास के ग्रामीणों को और झांसी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, मास्टर रुद्र नारायण, सीताराम भास्कर भागवत आदि को यहाँ बुलाकर राष्ट्र को आज़ाद कराने की मंत्रणा करते थे। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को यहाँ पर हथियार चलाना सिखाया, बम बनाना सिखाया, ताकि अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया जा सके। आइए हम आपको ले चलते हैं सातार के विभिन्न स्थानों पर जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद रहे और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा का संचार जन जन में उन्होंने किया। आइए चलते हैं। मेरे पीछे आप जो कुआं देख रहे हो, इस कुएं का निर्माण चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद किया था। उन्होंने अपने हाथों से इसको खोदा था और देखिए आज भी इस कुएं में काफ़ी जल है और इस कुएं का जल भगवान को अर्पित करते थे चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने एक हनुमान जी के मंदिर का भी निर्माण कराया था। हम आपको दिखाएंगे, ये जो रास्ता गया हुआ है, ये रास्ता उसी समय निर्मित किया गया था। हालाँकि अब इसको आधुनिक रूप दे दिया गया है, लेकिन आज़ाद जी ने इस गुप्त रास्ते का निर्माण किया था। और आप पीछे देख रहे होंगे, वहाँ एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस मंदिर को भी अब आधुनिक रूप दिया गया है। लेकिन इस मंदिर की जो स्थापना है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी जब वो यहाँ बाबा के वेश में रहते थे। 1924 की ये बात है और आज भी इस मंदिर के दर्शन के पास के लोग आते हैं। इस इलाके का सबसे रमणीक स्थल माना जाता है सातार। आप देखिए ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण अभी किया गया है, दालान का निर्माण किया गया है, बरामदा बनाया गया है। शंकर जी की भी इसके अंदर स्थापित हैं। ये देखिए, ये शंकर जी स्थापित हैं इस मंदिर के अंदर। इसके अलावा जो पुराना मंदिर है जो आज़ाद जी ने बनाया था, वो हनुमान जी का मंदिर है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुटिया, इसी कुटिया में आज़ाद निवास करते थे। ये वो हनुमान जी का मंदिर है जिसका निर्माण स्वयं अपने हाथों से क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ये जो कुटिया देख रहे हैं आप, ये कुटिया भी चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने हाथों से बनाई थी। हालांकि काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी, लेकिन फिर बाद में इसकी मरम्मत की गई, इसका जीर्णोद्धार किया गया। ये वो गुफा है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद बाबा के वेश बना के रहते थे, साधना करते थे, तप करते थे। और इस गुफा के पीछे वन्य क्षेत्र है, आप देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है। इसी घने जंगल में चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारियों को हथियार बनाना सिखाते थे, उनको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते थे। ये अज्ञातवास स्थल के पीछे से सातार नदी निकली हुई है जिसके नाम पर ही इस स्थान का नाम भी सातार पड़ा है। हालांकि इस नदी में पानी काफ़ी कम रहता है, बरसात के समय काफ़ी पानी। वो 3 वर्ष रहे, 1.5 वर्ष अज्ञातवास के उसमें रहे और 1.5 वर्ष कुछ क्रांतिकारियों से मिलते जुलते रहे यहाँ पर जी। और यहाँ पर आज भी देशभक्ति की ऊर्जा महसूस होती है और यहाँ पे बहुत ही रमणीक स्थल है। और यहीं से वो झांसी
जो अंग्रेजों के ब्रिटिश काल की छावनी थी जी, उसका उसका देखरेख सुपरविजन यहीं से वो करते थे अज्ञातवास के कार्यकाल में। भले ही चंद्रशेखर आज़ाद आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिन गांव के लोगों को उन्होंने हथियार चलाना सिखाया, आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा, उन गांव के लोगों ने अपने उस गांव का नाम आज़ादपुरा जरूर रख दिया है। इस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद इस गांव में आज भी अमर हैं।